Good morning, children. Subject mathematics, class 10, exercise 4.4. Student, 4.4 में क्या है हमारा? नेचर ऑफ रूट, मतलब रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट होते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर कैसा, उनका नेचर कैसा होता है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है स्टूडेंट, और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम ऐसे पता कर सकते हैं फॉर्मूले से, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. हम स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट की बात करने वाले हैं. आप सोचते होंगे कि आपने तो फॉर्मूला लिखा दिया दोबारा से, क्योंकि ये फॉर्मूला तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हो चुका है. तो स्टूडेंट इसका जवाब यह है कि यहीं से सब कुछ निकलने वाला है. नेचर ऑफ रूट कैसे होते हैं वो यहीं से निकलने वाला है. और उसके पहले एक बात और आपको जान लीजिए कि व्हाट इज रियल नंबर. अ नंबर हूज स्क्वायर नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर. देखिए स्टूडेंट, जैसे आप रूट फाइव का स्क्वायर करें तो फाइव आ गया, बट आप माइनस फाइव का स्क्वायर, रूट माइनस फाइव का स्क्वायर करें तो माइनस फाइव आ गया. इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये जो भी वैल्यू है ये x है, अगर ये x less than 0 हो, रूट का जो वैल्यू, रूट के अंदर जो वैल्यू अगर वो less than 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, then it's a imaginary number. समझ पा रहे हैं? अगर रूट में नेगेटिव नंबर होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब वो रियल नंबर नहीं होगा. तो ये एक बार मैं रिवाइज करा दूं स्टूडेंट आपको, नेचर ऑफ रूट हमें पता करना है, मतलब रूट्स का नेचर क्या है ये हमें पता करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये अभी नेचर ऑफ रूट टॉपिक जरूर है, पर उसके लिए पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. वो क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर आपको पता करना हो तो ये वाला फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं. और क्या मानते हैं ऑनिशन टू रियल नंबर भी से कहते हैं. आर नंबर रूट इसका नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर. जैसे स्टूडेंट ये एग्जांपल लिखा है, यहां एक एग्जांपल वो लिखा है, रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब रियल नंबर नहीं होता है, काल्पनिक नंबर होता है. तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं. मैंने कहा कि सब कुछ यहाँ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट फॉर्मूले पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे कैसे? ये जो रूट में जो वैल्यू रखी है इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा, और इसे बोलते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेट. तो सब कुछ यहाँ डिपेंड करने वाला है, इसे डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं. नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेट. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेट क्या है स्टूडेंट? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मैं आपको याद दिला दूं, ये जो रूट के अंदर का वैल्यू है ये. तो स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट इस पर डिपेंड करते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट के अंदर इस पर डिपेंड करता है. थ्री कंडीशन हमारे पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, if b square minus 4ac equal 0 and b square minus 4ac less than 0. देखिए स्टूडेंट, greater than 0 होगा 2 real and distinct roots exist. टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट कब करेंगे स्टूडेंट? अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा. और यहाँ से अगर स्टूडेंट अगर इक्वल टू जीरो हो तो टू रियल एंड
natural roots of this first interval less than 0 हो तो क्या होता है, मैंने बताया था अगर root के अंदर की value less than 0 होगी तो वो जो है imaginary part हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे ऐसे नॉन रियल रूट, या ये कहिए स्टूडेंट रियल रूट रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट ये क्वालिटी फॉर्मूला है, ये जो रूट वाला जो वैल्यू है इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। स्क्वायर माइनस फोर ए सी को कहते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेट, सब कुछ डिस्क्रिमिनेट पर, नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेट पर डिपेंड करता है। यहाँ हमने आपको बता दिया रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो मेजरिंग नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। या हमने बताया अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो, या तो लेस देन जीरो हो, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू रियल, दो रियल रूट होंगे एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दो रियल रूट होंगे और अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो तो स्टूडेंट टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो तो रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation if real roots exist find them, question first question of Lorentz यह 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयर दिस इक्वेशन विद 2x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 coefficient of x minus 3 and constant of c equal to 5। एक अंतर स्टेंट वीडियो को पॉज करके ये वाला फंक्शन, ये वाला नोट कर जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं रफ करने जा रहा हूँ स्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में स्टूडेंट डी कहते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फ्रॉम, तो डी निकाल लीजिए आप, बी का क्या वैल्यू है स्टूडेंट माइनस थ्री माइनस फोर, ए का वैल्यू टू है और सी का वैल्यू फाइव, ये हो गया स्टूडेंट आपका नाइन, फाइव टू द टेन फोर द ट्वेंटी d माइनस 31 बिकॉज d लेस देन 0। देख लीजिए दोबारा से स्टूडेंट ठीक कर दिया गया हमने b स्क्वायर a ये b ये c ये b स्क्वायर माइनस 4 ए सी ठीक है, 5 टू द 10 और द 40 d लेस देन 0 सो देयरफॉर real roots are not exist। Okay sir, video pause करके note कर लेंगे। Sir, देखते हैं question number one part second।
ये आपका इंफ्लेशन है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर द सिचुएशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 4/3 एंड सी इक्वल टू 4, बी का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है माइनस 4/3 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4, डी 16 3 48 और 12 हो गया 48 इक्वल टू 0, सम टू रियल एट इक्वल रूट्स ये वाला कंडीशन देखिए सेकंड वाला इसका माइनस वाले से 0 होगा टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें पता कीजिए स्टूडेंट कैसे करेंगे बता फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए स्टूडेंट इसे थोड़ा सा और इजी करने के लिए मान लीजिए रूट अल्फा एंड बीटा है एक वैल्यू पॉजिटिव साइन लेके आपके एक वैल्यू नेगेटिव साइन लेके अगर हम इसे पहले ही अलग अलग लीजिए माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर एस बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए तो इस तरह से इजीली आपको पता कर सकते हैं अल्फा माइनस बी क्या है सर देखिए ये हो गया माइनस 4/3 प्लस डी डी का वैल्यू क्या है 0 बाय 2a 3 ये प्लस हो जाएगा 4/3 प्लस 0 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो ये हो गया स्टूडेंट आपका अल्फा इक्वल टू 2/3 बाय 3 और ये देखिए ना स्टूडेंट बीटा क्या हो जाएगा आपका मतलब सेकंड रूट माइनस बी ये स्टूडेंट माइनस 4/3 प्लस माइनस 0 बाय 2 इंटू 3 बीटा इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 4/3 ये 0 को छोड़ दीजिए 6 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा बीटा आपका 2/3 बाय 3। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो स्टेप a इक्वल टू 2 हो गया b इक्वल टू माइनस 6 हो गया और c इक्वल टू आपका 3 हो गया d निकालिए d का क्या वैल्यू होगा b b स्क्वायर माइनस 4 निकालिए स्टेप b इक्वल टू b का वैल्यू माइनस 6 स्क्वायर और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू हो गया 36 4 2 जा 8 3 जा 24 कितना बचेगा d इक्वल टू 12। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये वाला नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन नोट डाउन करिए इक्वल टू ये हो गया बिकॉज डी ग्रेटर देन 0 therefore two real and distinct roots exist वही स्टूडेंट जब मान लीजिए रूट अल्फा बीटा है अल्फा को कैसे निकालेंगे प्लस बी प्लस रूट डी बाय टू ए
एंड डेल्टा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी बाय टू है माइनस, देखिएगा इसके बी का वैल्यू क्या, माइनस सिक्स प्लस ये कितना है डी ट्वेल्व बाय टू इंटू टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस इसे कर लीजिए आप 4 इंटू थ्री फोर, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन प्लस सिक्स, अल्फा इक्वल टू सिक्स फोर का बाहर आ जाएगा टू इंटू थ्री, टू टू से डिवाइड कर देंगे स्टैंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो थ्री प्लस टू थ्री बाई टू, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस सिक्स माइनस रूट ट्वेल्व बाय टू इंटू टू, देखेगा स्टैंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस इसे लिख लीजिए फोर इंटू थ्री यह हो जाएगा टू इंटू टू, सिक्स माइनस टू रूट थ्री बाई टू इंटू टू, डिवाइड कर लीजिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से डिवाइड बाई टू, थ्री माइनस रूट थ्री बाय, तो ये आपके रूट हो जाएंगे इसके, आज के लिए इतना ही, मिलता है कल नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंड ये जो भी 4.4 का इंट्रो बताया, नेचर ऑफ रूट बताया, मुझे पूरी जांच है आप नोट डाउन कर लेंगे और इसे अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके स्टैंड, मिलता है कल।